लंबड़ी और कौवा। एक बार काले कौवा को एक बड़ा चीज का टुकड़ा मिला, देखकर खुश हो गया। खुशी खुशी चीज के टुकड़े के लेकर अपनी घोंसले के पास जाकर बैठ गया। तभी वहाँ से सोमी लंबड़ी निकली और उसकी नजर काले कौवे पर पड़ी। कालू के मुंह से पीस का टुकड़ा देखकर लंबड़ी मुंह से पानी आ गया और किसी भी तरह चालाकी से आप वो टुकड़ा पाना चाहती। तभी उसके दिमाग में एक उपाय आया और उसने कालू से कहा, दोस्त कालू, दोस्त तुम कैसे हो? अच्छा हुआ तुम मिल गए, मैं बहुत दिनों से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। सच, तुम जैसा सुंदर कौवा पूरे जंगल में नहीं है और तुम्हारी सुंदर आवाज सुनने को मेरे कान तरस रही है। तुम कितना मधुर गाती हो, तुम्हारी रंग कितना प्यारी है, तुम बहुत अच्छी कौवा हो। तुम्हारा जैसा कौवा पूरे जंगल में नहीं है। मैंने कभी किसी कौवे को इतना अच्छा गाते हुए नहीं सुना। आज तुम कुछ अच्छा सा गाए मुझे सुनाओ प्लीज। कालू अपनी इतना तारीफ सुनकर मन ही मन बहुत खुश हो गया। जैसे ही उसने गाने के लिए मुंह खोला, चीज का टुकड़ा जाकर नीचे गिर गया। सोमी लंबड़ी ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। चीज का टुकड़ा लेकर भाग गई बेचारा कालू। कालू को समझ में आ गया था सोमी लंबड़ी चीज का टुकड़ा लेने के लिए सब मनगढ़ंत तारीफ कर रही थी। बेचारा काले कौवा अपने चीज के टुकड़े से हाथ धो बैठा।